गांव में पैसों के लेन देन और सूद ब्याज कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप भी गांव में लगाई लगाते हैं या सूद ब्याज में पैसा देते हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ कर बोल रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। गांव देहात में पैसों के लेन देन सूद ब्याज पर कैसे किया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पैसों के लेन देन करते हैं तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीखते हैं। चलिए पहले यहाँ पर बात समझिए, एक कोई आदमी है, ठीक है, और बी कोई आदमी है। दो आदमी है, एक ए हो गया एक बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए जो है, ए जो आदमी है बी को देता है 500 रुपया, ठीक है, कितना परसेंट से, 5% की दर से, कितने महीने के लिए, 5 महीना के लिए, ठीक है। गांव में जो पैसों के लगाने लगता है वो लगता है महीना पर, ना कि साल पर। साल पर बैंक में दिया जाता है, और गांव देहात में महीना पर लगाया जाता है लगाने, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ए जो है 500 रुपया बी को देता है 5% की दर से 5 महीना के लिए, ठीक है। अब देखिए, गांव में जो पैसों के लेन देन होता है वो महीना में ही होता है, साल में नहीं होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सवाल के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम इसी चीज़ को सवाल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, राम श्याम को 500 रुपये 5% की दर से 5 महीना के लिए देता है, तो 5 महीने के अंत में श्याम राम को कितने रुपया देगा। बात समझे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, पहले यहाँ पर तो 5 महीना दिया हुआ है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मूलधन बराबर, यहाँ लिखते हैं मूलधन जो हो गया कि कितना रुपया आप दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए 500। और दर जो हो गया वो आपका हो गया 5%, ठीक है, मतलब कि 100 रुपया में 5 रुपया आपको उसको दीजिएगा सूद में। और समय जो हो गया वो हो गया आपका 5 महीना, ठीक है, इतना देख लिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, इसको ध्यान में रखिएगा, मूलधन गुने दर गुने समय, इसको रखिए ध्यान में 100। तो ये आपका फार्मूला हो गया, और इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है, समझ गए। तब देखिए कितना मूलधन मेरा है, 500, तो ये आपका हो गया 500। दर कितना है, 5%, तो हम यहाँ पर 5 ही लिखेंगे, ठीक है, 5 गुने समय कितना है, 5 महीना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, ठीक है, और बटा में लिख दीजिए 100, ठीक है। अब देखिए 2 को 0 ऊपर भी है 2 को 0 नीचे है, तो इसको हम काट सकते हैं, काट दीजिए। अब इसको हम गुना करिए, 5 × 5 × 5, तो 25 × 25 125, तो ये आपका 125 रुपया जो हो गया ये आपका ब्याज हो गया, ठीक है, शुद्ध हो गया, इसको हम शुद्ध भी लिख सकते हैं, शुद्ध, ठीक है, ये आपका शुद्ध हो गया 125 रुपया 5 महीना का, ठीक है, 5 महीना का हो गया। अब 125 रुपया तो आपका ब्याज हो गया, लेकिन आपको पैसा कितना देना है पूरा, 500 रुपया, ये तो लिखिएगा टोटल 500 रुपया प्लस 125 कितना हो जाएगा, 625 आपको टोटल रुपया इतना 5 महीना में देना पड़ेगा, ठीक है, बस इतना ही करना है। एक सवाल और देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई ए है आदमी, और यहाँ पर कोई बी आदमी है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये 700 रुपया देता है, 700 रुपया 3% की दर से, और महीना आपका हो गया 6 महीना, ठीक है, 6 महीना हो गया। फिर से हमको यहीं पर लिख करना है, सूद लिख देते हैं यहाँ पर, सूद 700
मूलधन आपका हो गया, 3 हो गया दर, और 6 हो गया महीना। अब बटा में कर दीजिए 100, ठीक है, ऊपर 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, इसको आप काट दीजिए। आप कर दीजिए कितना बच गया, 7 × 3 × 6, इसको गुना कीजिए, 7 × 3 = 21, 21 को आप यहाँ पर कर दीजिए 6 से गुना, 6 × 6 और 6 × 2 = 12, 126 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको कितना है, 126 रुपया आपका शुद्ध निकला, इतना शुद्ध निकला, लेकिन जितना कितना पैसा आपको है, ये तो आपको जो मूलधन है, मूलधन जो है यहाँ पर वो भी जोड़ना है और ये भी जोड़ना है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये टोटल में मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना आपका है 700 रुपया है, अब ब्याज कितना है 126 रुपया है, तो आपको देना पड़ेगा 826 रुपया टोटल, आपको बी को, इस बी ए को देना पड़ेगा, मतलब बी 726 रुपया, 826 रुपया ए को देगा, बस समझे, बस इतना ही करना है। और उम्मीद है इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।